थोड़ी दोस्तों उससे पहले कि शूटिंग करें यहाँ पे सोच रहे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने यहाँ पे जो लोकल मतलब हम सॉन्ग गाने जा रहे हैं उसकी, तो चलो किया जाए शुरू जी। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप आप सारे के सारे लोग ठीक होंगे। तो आज देख सकते हो भाई किस तरह का पहनावा जो है पहना हुआ है। लास्ट व्लॉग में जैसे कि आपको बताया था कि आज है भाई गाने की शूटिंग प्रॉपरली, तो एक आवाज यहाँ पे आ गया मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग, बढ़िया। एंड मम्मी भी अपने साथ में जा रहे हैं, तो मम्मी आप जा रहे हैं फिर धर्मशाला? धर्मशाला जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं है क्या गाड़ी में बैठे हो? पहले मम्मी को बोला मैंने कहा शूटिंग पे चलते हैं, बट एक्चुअल में शूटिंग पे रहेगा नहीं ज़्यादा, स्टूडियो में ही हम लोगों को कुछ ऐसा प्लान है कि शूट करना है, अभी तक फिक्स नहीं है क्या करना है क्या नहीं। और मम्मी को जाना था पल्लू के यहाँ पे घूमने, तो मैंने कहा चलो आप मम्मी को कर देता हूँ, अभी बस में चढ़ा देता हूँ और शाम के टाइम देखूंगा अगर शूटिंग से मैं फ्री हो गया तो मैं भी मम्मी के साथ साथ धर्मशाला जाऊंगा, फिर एक दो दिन मेरा भी घूमना हो जाएगा। चलो फिलहाल मम्मी को पहले ही करके आते हैं ड्रॉप। नाउ भाई हम लोग हैं बस स्टैंड में, एंड यहाँ पे एक बार थोड़ा सा शर्मा रहा है शायद से, क्या भाई पब्लिकली नहीं होती ब्लॉगिंग क्या? देखो लोग कितने वैसे गाने डालने से शर्माता हूं तो बात तो सही है, अरे बड़े लोग देख लो भाई बहुत सारे हैं। फिलहाल मम्मी को करते हैं ड्रॉप एंड फिर चलते हैं। तो मम्मी को भेज दिया दोस्तों, और अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाले हैं ना वो बंदे आ रहे हैं। इतनी देर हम सोच रहे थे कि क्यों ना यहाँ पे एक इको पार्क है इसमें घूम लेते हैं। फिलहाल कोट अभी बिकवाज ने पहन लिया, एक बार लग रही है गर्मी लग रही है बिल्कुल भाई, भयंकर बहुत होता है, मतलब क्या ही बोले इतना स्ट्रांग रहता है ना। बट चलो इको पार्क के अंदर जाके देखते हैं कि क्या है। लोकेशन प्यारी है दोस्तों, तो यहाँ पे आके एक फ़ायदा तो हो गया एटलीस्ट कि हमारी रील्स जो है दोस्तों एक दो यहाँ पे बन गई है, तो अगर वो देखनी है तो आपको बताएं फिर वो तो चलते ही भाई इंस्टाग्राम पे, तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था वीडियो वाले भाई का, वो बोल रहे हैं कि मैं भी पहुँच चुका हूँ, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं अभी उस रूम में जहाँ पे कि शूट होने वाला है हमारा रेडी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडी क्या मतलब लगभग हो ही गया, ढोलकी अपनी यहाँ पे है और साथ में जो भी लोग रिकॉर्ड करेंगे। हेलो भाई लोगों, हेलो, बढ़िया। एंड उधर है अपने कैमरा वाली टीम साथ ही साथ में, ठीक है। तो सारे लोग यहाँ पे लगे पड़े हैं, तो सबसे पहले करना क्या है कि कुछ मतलब हम सोच रहे हैं कि कोई स्क्रिप्ट टाइप बनाते हैं हल्की सी, मतलब जिसमें कि हमें दो चार डायलॉग बोलने रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि वो पॉसिबल हो पाता है नहीं हो पाता, आई होप सब कुछ अच्छा हो। जय शिवा। तो दोस्तों उससे पहले कि शूटिंग करें यहाँ पे सोच रहे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने यहाँ पे जो लोकल मतलब हम सॉन्ग गाने जा रहे हैं उसकी, तो चलो किया जाए शुरू जी। लगभग लोग कब के घुसे पड़े हैं स्टूडियो में, तो अभी लगभग लोग आप शाम का टाइम ये मान के चलो होने को आ गया, बट अभी तक सॉन्ग जो है ना आप मान के चलो यही 20% रिकॉर्ड हुआ है। और सच बताऊं तो शॉर्ट्स जो है ना वो यहाँ पे कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि भाई किसी भी बंदे को पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है कि लेंस जो है वो है 50 mm का,
तो ऐसे में फिर जगह थोड़ी छोटी पड़ रही है, हमने सोचा था स्टूडियो में पूरा का पूरा शूट करेंगे, बट एक्चुअल में जैसा सोचा था वैसे शूट आगे नहीं निकल के आ रहे हैं। मतलब समझ रहे हो ना, ये सब आर्टिस्ट लोगों के साथ होता है, जब भी कोई मतलब जैसा सोचता है वैसा बनता नहीं है। तो हम अभी सोच रहे हैं कि थोड़े शूट तो यहाँ के ले लिए, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि सॉन्ग है लोकल कल्चर का, तो आपको पता है कोट ये पहना है, टोपी ये पहनी है। वैसे दोस्तों टोपी जो है ना ये लाइसेंस होता है इसका, मेरे मास्टर जी के पास है, तभी मैं लेके आया था, अदरवाइज इसको नहीं पहन सकते, जो कलगी होती है ऊपर। तो ये पूरी गद्दी ड्रेस है, तो कहीं गद्दी वाली ही जगह पे चलते हैं जहाँ पे कि बसेरा होता है उनका। चलो भाई सारी अपनी ढोलकी कैमरा लाइट फिर से उठाते हैं एंड चलते हैं भाई शूटिंग पे। और भाई यहाँ पे तो थोड़ा बहम वाला सिस्टम हो गया, क्योंकि बाहर आप देख सकते हैं भाई चल रही है पूरी अंधेरी रात, सोचा था शाम होगी बट ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो अभी दोस्तों मूंगफली भी खा रहे हैं साथ ही साथ में, सुबह की भूख लगी हुई सभी बंदों को, एंड आगे लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे कि हमें रात के अंधेरे मतलब जंगलों के बीचों बीच आना पड़ा, क्योंकि लोकेशन कुछ इस तरह की है भाई, प्यारी लोकेशन, बट चलो मैंने कहा मोमेंट्स बन जाती है, क्यों क्या बोलते हैं भाई, ऐसे करा है क्या ऐसे दूर दूर जाके शूट अंधेरों में? काफी की है, चलो थोड़ा अलग ही है, अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है ना, एक्सपीरियंस लाइफ का ना। ओ भाई ढोल डाल तो बजाओ, किसी बार बंदे आए हैं ये देखो भाई, ये इधर क्या बोलते हैं चीटियों का पहाड़ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बामी नाग रहते हैं ना बोले, इसमें होते हैं। फाइनली दोस्तों लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, तो आप समझ गए होंगे हम लोग आए हैं भाई यहाँ पे भेड़ बकरियों का जो डेरा होता है, जो हमारी कास्ट रहती है गद्दी एक्चुअल में, ठीक है, उनका डेरा होता था, हमारे मतलब पूर्वज जो होते थे ना वो भी यही काम करते थे एक्चुअल में। देख सकते हैं इस तरह का रहता है कुछ डेरा है, एंड यहाँ पे ये तंबू भी लगा है, लाइट की फैसिलिटी भी है साथ साथ में, तो चलो बढ़िया है सारा कुछ। तो टाइम दोस्तों लगभग 9:45 हो चुके हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल चाय यहाँ पे चल रही है, और शूट जो आप ये मान के चलो कि 35% या 30% अभी शूट हो चुका है परफेक्ट, उसके बाद के जो सिंक है एक्चुअल में उसमें हमें सिर्फ डांस ही करना है, और डांस के साथ साथ में उसको गाना ही है। वैसे है तो थोड़ा मुश्किल, क्योंकि लाइट का थोड़ा बड़ी मतलब मुश्किल से यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ रहा है, अगर फ्लैश लाइट ऑन कर रहे हैं तभी जो पॉसिबल है लाइट, अदरवाइज नहीं मतलब यहाँ पे आसपास में कोई ज्यादा सोर्स है लाइट के, तो फिलहाल चल ही रहा है अभी तक। करेंगे आवाज वाली गामा उन क्या बड़ा यूनिक आएगा वो, समझ अम्मा बोया एक बार अम्मा, फिर अम्मा पूछ रही हो क्या करते हो तू, ये चुगरू बड़ा मां गीत गाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि यहां पे आंटी जी बहुत स्वीट मिले। हेलो आंटी जी, नमस्ते। इसमें बिल्कुल रियली बोलो जैसे आज सच में नहीं बोलते वैसे। अंकल जी आपको भी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बल्ले बल्ले सैम स्टार एक्सपेंसिव बहुत ही खर्चा इनका हिमाचल वाला एंड एक बास राइट हियर, और देखो ढोलकी लेके साथ में गचक खा रहे हैं। बेबू बेबू कहां बेबू यानी लगी रोटी बनाने तो क्या बोलते मैं यानी थालियां हो दे ओ पगतो थालियां ओ मुंडिया के दे ओ थालियां। तो रात में दोस्तों आप ये मान के चलो फ्री हो गया था कम से कम रात के कोई 1:30 या 2 बजे, मतलब 2 बज गए थे और 2 बजे हम पहुंचे थे स्टूडियो में। फिर उसके बाद में जब हमने सारे के सारे जो क्लिप्स शूट किए थे ना, एक्चुअल में दोस्तों देखो शूट करने के लिए उस टाइम पे तो सही लगता है, बाद में जब शूट करके आओ फिर देखो, तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि गाइज आप लोगों को ना मज़ा आने वाला है, मतलब इस तरह से बिल्कुल रॉ। और जो भाई आपको पता है ना जैसे हमारे शेपर्स जो होते हैं जंगलों में बैठते हैं, तो उनका डेरा जो है हमारे रिलेटिव में था, मतलब वो हमारे रिलेटिव थे जहाँ पे हम गए थे, ठीक है, तो उनको हमने परमिशन ले ली थी, एंड वहाँ पे जाके शूट जो है ना दोस्तों मतलब क्या अल्टीमेट आया है। फिलहाल अभी जो सारा का सारा डेटा है वो तो पड़ा है कंप्यूटर में, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता, वैसे भी अगर यहाँ पे ही दिखा दूंगा तो फिर सॉन्ग में कुछ ऐसा दिखाने लायक बचेगा नहीं, है ना। तो बाकी सारा का सारा आपको कुछ दिनों में बस वीडियो एडिटिंग होना बाकी है, ऑडियो थोड़ा सा प्रिपेयर होगा,
तो बाकी सारा काम हो जाएगा। टोपी पहनी थी, देखो बालों का क्या हाल हो गया। तो आपको जल्दी से जल्दी जो गाना है वो सुनने को मिल जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा स्ट्रगलिंग भरा था, लेकिन कुल मिला के फाइनली हमने ये कर दिखाया। तो आई होप दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया रहता है, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलें, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट होती है आपको हम टेलीग्राम पर देते रहते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और वीडियो में। भगवान करे आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।